बिटकॉइन ने 69,000 का ओल्ड टाइम हाई लास्ट ईयर नवंबर में लगाया था उसके बाद से बिटकॉइन का प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही है और अभी तक दोस्तों बी के चार्ट पर कोई रिकवरी का साइन नजर नहीं आ रहा है और लास्ट वीक से बिटकॉइन में प्राइस एक्शन बिल्कुल ही नैरो हो गया है और जब भी प्राइस नैरो ट्रेड करने लग जाता है तो उसके बाद हमें एक सिग्निफिकेंट मूव देखने को जरूर मिलता है और वही मूव डिसाइड करता है दोस्तों फ्यूचर में ट्रेंड को इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है बिटकॉइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और लास्ट में बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बिटकॉइन के डेली चार्ट को देखने पर दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस 19,500 से 20,500 की बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है लास्ट कुछ दिनों से बुल्स एंड बियर्स दोनों ही प्राइस को बिल्कुल मूव करते हुए नहीं दिख रहे हैं उन्नीस हज़ार के सपोर्ट लेवल को बिटकॉइन ने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है अगर बिटकॉइन में अपसाइड मूव आता है तो ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर की जो प्राइस रेंज है उसमें फिफ्टी डी मूविंग एवरेज और हंड्रेड डी मूविंग एवरेज है बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों इस प्राइस लेवल तक बाउंस बैक कर सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दोनों ही इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं ट्रेंड सेट करने में इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया का पता होना बहुत जरूरी है अदर सिनेरियो की बात करें तो दोस्तों अगर बिटकॉइन का प्राइस उन्नीस हजार के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें तेज गिरावट बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकती है और बिटकॉइन का प्राइस पंद्रह हजार डॉलर के प्राइस लेवल को टच कर सकता है और पॉसिबिलिटी है कि उसके भी नीचे जा सकता है बट एक और चीज आपको यहाँ समझनी होगी लॉन्ग बियर रन के बाद दोस्तों इसी तरह से बॉटम बनता है और एक्युमुलेशन फेज को कम्प्लीट होने में तीन से चार महीने इजिली लग जाते हैं जब भी बियर रन खत्म होने वाला होता है बट उसके लिए की सपोर्ट एरिया को होल्ड करके कर रखना बहुत जरूरी है जो बिटकॉइन के लिए अभी उन्नीस हजार का लेवल है बिटकॉइन के चार्ट को फोर आवर के टाइम फ्रेम पर देखे तो बीरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेक होने के बाद से बिटकॉइन का प्राइस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है जिसे देखने में लग रहा है बिटकॉइन इसको नीचे की साइड ब्रेक करने के लिए रेडी है जो बिटकॉइन के प्राइस को और नीचे की तरफ ले जा सकता है आरएसआई इंडिकेटर को देखें तो दोस्तों वो भी 50 के लेवल पर है जो दिखाता है कि बिटकॉइन के प्राइस को ना तो बुल और ना ही बियर फुली कंट्रोल कर रहे हैं अब बात करते हैं दोस्तों आपको क्या पोजीशन मार्केट में बनानी चाहिए बिटकॉइन के प्राइस में कोई मोमेंटम दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है जब तक मार्केट में कोई डिसाइसिव ट्रेंड देखने को नहीं मिलता तब तक आपको भी बिटकॉइन को बस वॉच करना है क्योंकि तो बिटकॉइन में दोस्तों नेक्स्ट मूवी सबसे इम्पोर्टेंट होगा उन्नीस का सपोर्ट लेवल बिटकॉइन के लिए होल्ड करके रखना बहुत जरूरी है इसलिए ट्रेडिंग को अवॉइड करिए जब तक कोई डिसाइसिव मूव बिटकॉइन में ना आ जाए यह था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज न्यूज की फर्स्ट है दोस्तों टू प्रमोट अ क्रिप्टो स्कैम हैकिंग प्रॉब्लम दोस्तों क्रिप्टो में स्टार्टिंग से ही चल रही है इस बार भी ने साउथ कोरिया गवर्नमेंट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैक करके क्रिप्टो स्कैम को प्रमोट किया hackers ने चैनल का नेम चेंज किया स्पेस एक्स इन्वेस्ट और ऐसा दिखाए कि आप एलन मस्क फाउंडेड कंपनी स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हो हैकर आए दिन नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कैसे क्रिप्टो वॉलेट्स हैक किए जाए और स्कैम किया जाए इसलिए जब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो क्रिप्टो एक्सचेंज का यूज करें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डोमेस्टिक एक्सचेंजेस के लिंक मिल जाएंगे जिन पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों क्रिप्टो डॉट कॉम बैक आउट ऑफ स्पॉन्सर डील विद यू एफ ए चैम्पियन ली क्रिप्टो डॉट कॉम ने दोस्तों यूएसए चैंपियन लीग के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन किया था फोर नाइन मिलियन डॉलर की जो अभी के लिए ब्रेक हो चुकी है जिसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है यूरोपियन मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो और ज्यादा टाइट किए गए हैं अगर आपने भी क्रिप्टो डॉट कॉम टोकन में इन्वेस्ट किया हुआ है तो शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट टोकन के प्राइस पर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है दोस्तों कैरेडानो मोस्ट कंफर्म लॉन्च डेट इथीरियम डिमर्ज अपडेट जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है दोस्तों सितंबर के फर्स्ट हाफ में और जैसे ही इथीरियम डिमर्ज अपडेट की न्यूज निकल कर आई थी इथीरियम के प्राइस में 100 परसेंट तक का जंप आपको देखने को मिला था और अभी करडानों की भी सबसे इम्पोर्टेंट अपग्रेड वेजिल के लॉन्च डेट भी कंफर्म हो गई है जो है बाईस सितंबर इस अपग्रेड का इम्पैक्ट भी के प्राइस में हमें देखने को मिल सकता है इसलिए सितंबर मंथ में कार्डानो आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद